दिखा नहीं रहा हूँ यार, सच कह रहा हूँ, वरना ये टैटू क्यों बनवाता तुम्हारे नाम का? पागल हूँ पागल, तुमने बना दिया मुझे पागल। हे विराज, धमाल की आज तूने, सच में कमाल कर दिया। की बड़ा बड़े थैंक यू थैंक यू। क्या बात है, स्टार ऑफ वन डे, आज तो तेरी निकल पड़ी होगी स्टेज पे, है ना? होता है, कभी कभी होता है, हर कुत्ते का दिन आता है। हा? सला यहां स्टार बैठा बैठा सड़ रहा है और वहां जूनियर आर्टिस्ट घोड़े पर बैठकर घूम रहा है। राजवीर, क्या हो गया इसे? आप लोग मेरी तरफ ऐसे क्या देख रहे? क्या हुआ राजवीर? छुट बोलने मत करो, तुमने ही मारा राजवीर को। हाँ हाँ, इसीने मारा है इसे। नहीं, बाईस लाख स्कोर बना लिया मैंने मिसेस बिलिमोरिया। केडी सर, ये सुनिए, लॉयर्स में जोक है। एक यूनिवर्सिटी कमिटी नया डीन चुन रही थी। लिस्ट में फाइनली तीन लोग सिलेक्ट किए गए, एक मैथमेटिशियन, एक इकोनॉमिस्ट और एक लॉयर। और तीनों से एक ही सवाल पूछा गया, 2+2 कितना होता है? अरे 2+2 = 4 होता है, ये भी कोई पूछने की बात है? एग्जैक्टली, मैथमेटिशियन ने भी यही जवाब दिया। उसके बाद इकोनॉमिस्ट से पूछा गया, उसने बोला 4+-1। फिर आई लॉयर की बारी। लॉयर ने थोड़ा सोचा, फिर उठा और चला और टेबल के पास आकर सीक्रेटली पूछता है, ये सब छोड़ और बता 2+2 कितना करवाना चाहता है? हो जाएगा। Is this supposed to be funny? It's not a bad joke, sir. It's a good joke. हाँ, मिस्टर रघुवंशी, बैठिए। कहिए मिस्टर रघुवंशी, आप कह रहे थे किसी मर्डर केस के बारे में चर्चा करना चाह रहे थे। अखबार तो पढ़ा होगा आपने कि एक माइम आर्टिस्ट ने दूसरे आर्टिस्ट का कत्ल कर दिया। हाँ पढ़ा मैंने, वो केस मेरी कंपनी का है, बहुत गड़बड़ होगी केड़ी। पेरिस में एक बहुत बड़ा शो होने जा रहा है, इट्स वेरी प्रेस्टिजियस असाइनमेंट, और मेरा फाइनलिस्ट जो वहां जा रहा था वो इस केस में फंस गया है। फंस गया है क्यों कह रहे हैं आप? केड़ी, में विराज को तब से जानता हूं जब वो इस शहर में नया नया आया था। उसके पास खाने के भी पैसे नहीं थे, उसे मैंने अपने ऑफिस में काम पे रखा था, चाय बनाने से लेकर सफाई तक वो सारा काम करता था। लेकिन हाँ, उसमें लगन थी, मेहनती था, ईमानदार था। ऐसे कितने मौके आए जब उसने अच्छे होने के सबूत दिए। मिस्टर रघुवंशी, कभी कभी अच्छे लोगों से भी भूल हो जाती है, अपराध कर बैठते हैं। वो विराज की मिट्टी के नहीं बने होंगे। इस लड़के पे मैं पूरा भरोसा कर सकता हूँ, आंख बंद करके कर सकता हूँ। जानते हो केड़ी, इसके लिए मैं कोरे कागज पे भी दस्तखत कर सकता हूँ। तुम ये भी जानते हो कि मैं किसी गलत आदमी के लिए तुम्हें सिफारिश नहीं करता हूँ। मिस्टर रघुवंशी, आप तो जानते हैं कि मैं आपकी हर बात का मान रखता हूँ, लेकिन फिर भी जो भी आपने मुझे इस लड़के के बारे में कहा है, एक बार मैं खुद जांच लूं, उसके बाद केस लेने को तैयार हूं। मैं कह रहा हूं सर, जब मैं वहां पहुंचा तो एक रेड लाइट मेरी आंखों पर फ्लैश हुआ। ये सब मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम मुझे ये बताओ कि मैं क्यों मानूं कि हत्या तुमने नहीं की? सर, अगर मुझे उसे मारना ही होता तो फिर मैं दूसरों के सामने उसे मार के खुद को फांसी के फंदे पे चढ़ाने की बेवकूफी ही क्यों करता? क्रोध में पागल होकर लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैं उस पर किस बात पर गुस्सा करूं? इसलिए कि वो इतना बड़ा स्टार था? चलिए सर, अगर ये बात भी मान लेते, अगर मुझे उसकी जगह लेनी भी थी तो फिर भी मैं जीने का काम करता ना सर, ना कि उसे सरेआम मारकर मरने का काम करता। हो सकता है तुम्हें तभी अवसर मिला। राजदीप और मैं पिछले हफ्ते एक पार्टी में गए थे, पार्टी से निकलते वक्त भी हम लोग साथ में ही थे। सर, उसने बहुत पी रखी थी, गाड़ी चलाने की हालत में नहीं था। मैं खुद ड्राइव करके उसे उसके घर तक छोड़ के आया। चाहता तो उसे वहां भी मार सकता था, कोई नहीं था वहां।
सर बहुत स्ट्रगल करके मैं यहां तक पहुंचा हूं। मैं क्यों अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ इस तरह से खराब करूंगा? आप ही सोचिए ना सर, आप तो इतने बड़े वकील हैं, आप ही बताइए। अगर इसके बाद भी आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो रहने दीजिए सर, क्योंकि बिना विश्वास के सच और झूठ की लड़ाई इंसान नहीं लड़ सकता। सर ऑनर, ये केस क्या है? ये केस क्यों है? टाइम वेस्ट हो रहा है अदालत का और कुछ नहीं। ये जो विराज है यहाँ पे खड़ा है, उसने सरेआम राजवीर का गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। साफ साफ बात है, साफ सुथरा केस है। मैं तो कहता हूँ सीधा सीधा फांसी पे लटका देना चाहिए उसको, योर ऑनर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। केस के प्रारंभ में ही प्रोसिक्यूटर साहब ने निर्णय सुना दिया, ऐसा करके ये अदालत का मान भंग कर रहे हैं, न्याय को विलीन कर रहे हैं। मैं विलीन नहीं कर रहा हूँ योर ऑनर, विलेन जो है उसको अदालत के सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आप इसका चेहरा देखिए, चेहरा दिखाओ। है कोई पछतावा है योर ऑनर? खून किया है लेकिन फिर भी ना कोई दुख ना कुछ, ऐसा लग रहा है इसके चेहरे को देख के जैसे कोई रशियाना खुशी मिली। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। प्रोसिक्यूटर साहब मेरे मुवक्किल को वैसी नहीं कह सकते। ठीक है, नहीं कहूंगा, टाइम वेस्ट भी नहीं करूंगा। क्या है, ऐसे भी मेरे सीनियर का बर्थडे है, मुझे शाम को पार्टी में जाना है, गिफ्ट वगैरह लेना है, वोंट वेस्ट टाइम। मुद्दे पे आता हूँ योर ऑनर, उस रात की बात करता हूँ जिस रात खून हुआ। विराज अपने माइंड के मेकअप में स्टेज पर अकेला था, सिर्फ वो ही था, क्योंकि सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस थी। और इस बात को साबित करने के लिए योर ऑनर मैं बुलाना चाहूंगा गणेश, म्यूजिशियन गणेश। इजाजत है, शो खत्म हुआ था और उधर मेकअप रूम के बाहर से मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि विराज हो गया। विराज के उस मेकअप रूम में तुम अकेले ही गए थे। सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं मेकअप रूम में नहीं गया था, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि राजवीर को मैंने नहीं मारा है। इनफैक्ट मैं मेकअप रूम के अंदर भी नहीं घुसा था, मैंने बस जब दरवाजा खोला तो अंदर अंधेरा था और मेरे आंखों के सामने एक रेड लाइट थी, उसके बाद किसी ने मुझे मेरे सर पे मारा। फिर क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, बस जब होश आया तो राजवीर की लाश मेरे सामने पड़ी थी। कल रात को कौन सी फिल्म देखी थी? कहानी अच्छी बना लेते हो तुम पाठक साहब, जैसा वकील वैसा ही मौकिल, दोनों कहानी बनाते रहते हैं। लेकिन ये कहानी नहीं है, हकीकत है कि तुमने राजवीर को मारा और उसके बाद कुमार ने तुम्हारे सर पे वार किया। एक्चुअली योर ऑनर, वो कुमार बचाना चाहता था इसलिए वार किया था और उसके बाद तुम सब भूल गए। लेकिन ये जो भूलने वाली बात है वो एक्चुअली तुम्हारी बीमारी है योर ऑनर। मैं ये साबित कर सकता हूँ, मेरे पास ये मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जो ये साबित करेंगे कि विराज को भूलने की बीमारी है और जरा सा कोई शॉक लगे या आघात लगे तो इनका दिमाग जो है वो जीरो हो जाता है, क्लीन स्लेट। मुझे भूलने की बीमारी जरूर है, लेकिन उस दिन मेकअप रूम में कोई नहीं था, उस कमरे में अंधेरा था और एक रेड लाइट थी, इतना मुझे याद है जज साहब। उसके बाद तो मैं बेहोश ही हो गया था। होश उड़ जाएंगे आपके जब मैं साबित कर दूंगा कि आप ही खूनी हो। चाहे पागल होने का नाटक करे, चाहे नींद में चलने का नाटक करे, या ये भूलने की बीमारी का नाटक, इससे आप बच नहीं पाएंगे मिस्टर विराज। जरूर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो भूलने की बीमारी का ये जो नाटक है वो नाटक ही था, कहीं मर्डर में इस बीमारी का कोई रोल तो नहीं है? मिस्टर जायसवाल, किस प्रकार के मनुष्य है आप? एक बेचारे की बीमारी का वो भास कर रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। योर ऑनर, मैं अदालत से अनुमति चाहता हूँ कि श्री रघुवंशी जी, जो इनके शो के प्रोड्यूसर भी हैं और इन्हें बचपन से जानते हैं, वो कटघरे में आए और इनकी बीमारी पर रोशनी डालें। रघुवंशी जी, कृपया कर न्यायाधीश महोदय को बताइए कि आपको विराज की इस भूलने की बीमारी के बारे में कब पता चला? अब एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ है। हम उसे घर से सामान लाने के लिए भेजते थे तो वो कुछ और ही लेके आता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि वो अपना नाम और पता तक भूल गया और उसके बाद से हम लोगों ने उसके पर्स में नाम और पते का आइडेंटिटी कार्ड बनवा के डलवा दिया ताकि फिर दोबारा कभी ऐसा ना हो। धन्यवाद रघुवंशी जी। योर ऑनर, पाठक साहब, आपके गवाह ने उड़ा दी आपकी हवा। नहीं योर ऑनर, इनके गवाह ने अभी कहा कि भूलने की बीमारी है, तो ये भी तो हो सकता है पाठक साहब के खून करने के बाद ये भूल गया हो कि इसने खून किया। चलो याद दिला देता हूँ, वो भूली दास्तां। योर ऑनर, मेरी अगली गवाह सानिया। राजवीर और मैं मेकअप रूम में थे, राजवीर की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं उसे मिलने गई थी। राजवीर के बीमार होने के वजह से विराज को परफॉर्म करने का चांस मिल गया था। परफॉर्मेंस के बाद विराज मेकअप रूम में आया,
सोनिया जी, अगर मैं ये कहूँ कि आपने आपकी आंखों के सामने कत्ल होते हुए देखा तो क्या मैं सही हूँ? जी विराज राजवीर से जलता था, उसे लगता था कि राजवीर की वजह से उसे उसे चांस नहीं मिला, और जब चांस मिला तो चांस पे डांस कर लिया, यानी कि राजवीर का कत्ल कर दिया। लेकिन योर ऑनर, मेरे पास है बहुत सारे सवाल और बहुत सारे गवाह भी। मेरा अगला गवाह है कुमार, मेकअप मैन। सर, मैं पैसेज से गुजर रहा था तो मैडम की चीख सुनाई पड़ी। मैडम मतलब कौन? सानिया मैडम। सानिया मैडम, और उसके बाद मैं मेकअप रूम का दरवाजा खोलकर अंदर गया। राजवीर सर बहुत अच्छे इंसान थे सर, बहुत दिलदार थे सर। ये आदमी एहसान फरामोश है सर। राजवीर जी ने सब कुछ सिखाया है उसको। उसको तो उनका पैर धोके पीना चाहिए था सर, लेकिन इसने उसका खून पी लिया सर। आईश, खून पी लिया सर? ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था सर, इसने अच्छा नहीं किया सर। ऑनर, कुमार ने देखा, सानिया ने देखा, कुमार और सानिया ने बचाने की कोशिश भी की, लेकिन इस इंसान पर खून सवार था। सरेआम, जैसे मैंने पहले भी कहा, गला घोट कर मार दिया और अब कहता कि कुछ याद नहीं, बीमारी का बहाना। वेरी गुड। खैर, मर्डर वेपन है ना मेरे पास? वो तो है, वो तो नहीं कोई भूल सकता। क्या यही है वो मर्डर वेपन कुमार जी? क्या इसी रस्सी से गला घोट कर मारा गया था राजवीर को? हाँ सर, हाँ सर, यही रस्सी है सर। सर ऑनर, मैंने ये मर्डर वेपन तो पेश कर दिया, अब मैं अपना अगला गवाह पेश करना चाहता हूँ, इस प्रोडक्शन कंपनी का प्रोडक्शन मैनेजर, जिसकी जिम्मेदारी है कि सारी प्रॉपर्टीज वगैरह वो जमा करके वहाँ पे बैकस्टेज पे रखे, मिस्टर नरेन। नरेन जी, उस दिन शो वाली रात को जब विराज आपसे मिलने आया तो उसके बिहेवियर, उसके व्यवहार में कोई फर्क दिखा था? जी मुझे अच्छी तरह से याद है, विराज उस दिन बहुत एक्साइटेड था, और जी होना भी लाजमी है, पहली बार सोलो परफॉर्म करने जा रहा था, और जी शो से पहले मुझसे मिलने के लिए भी आया था प्रोडक्शन गोडाउन में। अरे क्या बात है विराज, आज तो तुम्हारे पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे होंगे। हम राजवीर की छुट्टी करने के इरादे से आया लगता था ना। नरेन भाई, कोशिश तो मैं पूरी करूंगा, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो जरूर हो। आप रस्सी तो दे दो मुझे। रस्सी? माइम में रस्सी का क्या करेगा, किसी को लटकाने वटकाने का इरादा तो नहीं है? अरे नहीं नरेन भाई, वो एक्ट में एज अ प्रॉप यूज करना है, वो रस्सी को सांप समझने का एक्ट। अब दो ना, इतना सामान मत करो। कितनी चाहिए? कुछ 4 फुट तक दे दो। 4 फुट। योर ऑनर, अब मैं ये साबित कर दूंगा कि ये जो मर्डर वेपन, ये रस्सी, वही रस्सी है जो विराज ने नरेन जी से मांगी थी गोडाउन में जाकर। योर ऑनर, 4 फीट। पाठक साहब, 4 फीट। मेहरबानी करके ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ऐसा कह के ये मत पूछेगा कि फिंगरप्रिंट्स के निशान नहीं है इसमें, ग्लव्स पहना था साहब ने। लेकिन योर ऑनर, दो लोग हैं, कुमार और सानिया, जिन्होंने इनको मर्डर करते हुए देखा, चश्मदीद गवाह, आई विटनेस। पाठक साहब, अब इससे बड़ा सबूत और मैं क्या पेश करूं? विराज रस्सी को प्रॉप बनाकर हम सबको बेवकूफ बना रहा था, लेकिन उसके मन में कुछ और ही था। विराज, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने अच्छा नहीं किया। अच्छा किया? उसके हिसाब से तो अच्छा ही किया ना भाई, उसका प्लान था मारना, और वो प्लान सफल हो गया तो अच्छा ही हुआ, राइट विराज? कैसा प्लान सर? मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि मैं मेकअप रूम में गया था, लेकिन मैंने उसको नहीं मारा, मैं तो बेहोश हो गया था। अरे क्या बेहोश हो गया था? बेहोश हो गया था क्यों, याद नहीं सर? एक ही एक बात बार बार दोहरा रहा है, खून करके बोल रहा है कि मैं भूल गया। योर ऑनर, मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि इसी ने खून किया है, और उसके लिए मैं डॉक्टर सिन्हा को यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ कटघरे में। सर साहब, को ये बताइए कि क्या ये मुमकिन है कि जो एमनेशिया का मरीज होता है, खून जैसा संगीन जुर्म करने के बाद पूरी वारदात भूल जाए? पॉसिबल? बिल्कुल मुमकिन है, ये बात साबित होती है विराज के मेडिकल रिपोर्ट से। लेकिन मैं उसको क्यों मारूंगा, कोई कारण ही नहीं। सेंसिबल,
विराज, पहली बार तुमने कोई सेंसिबल सवाल उठाया है, मैं जवाब देता हूँ। योर ऑनर सर, जोरू और जमीन की कहानी तो पूरी हुई है, अब मैं आपको विराज एक नई कहानी सुनाता हूँ, और उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा मनीष चंद्रा को, जो इस शो के डायरेक्टर भी हैं, जो इनको माइम भी सिखाते हैं, और राजवीर और विराज दोनों के बहुत करीब भी रहे। इजाजत है। राजवीर मेरा बहुत अजीज दोस्त था, हम दोनों ने काफी सारे शोज एक साथ किए, बहुत अच्छा आर्टिस्ट था वो सर, और यही बात इस विराज को चुभती थी सर, पचा नहीं पा रहा था इस बात को। अब सर, कोयले को आप कितना भी चमका लीजिए, कितना भी साफ कर लीजिए, उसके अंदर हीरे जैसी चमक तो नहीं आ सकती ना सर। राजवीर सच्चा कलाकार था, स्टेज पर आता था ना तो आग लगा देता था। पेरिस में होने वाले कंपटीशन में सिर्फ एक आदमी जा सकता था, और तूने राजवीर को अपने रास्ते से हटाकर मार दिया तूने राजवीर को। सर उस दिन मैं मेकअप रूम में गया था, तब मैंने विराज और राजवीर को एक साथ बैठे हुए देखा था। विराज, पैंट की बस सलवटे ठीक करना, टांग खींचने की जरूरत नहीं है, कुछ हासिल नहीं होगा, समझे? राजवीर जैसे स्टार्स बहुत कम पैदा होते हैं, और बाकी सबको उनकी छाया में ही जीना पड़ता है, ये बात मान लो, और जहां हो ना वहां रहना सीख लो। राजवीर सर, हाँ, इंसान का जब बुरा वक्त आता है ना, तो ये पैसा, नाम, शोहरत कुछ भी नहीं रहता। कितने आए और कितने गए, जो नहीं गए उन्हें हटा दिया जाता है। जो इंसान बहुत उड़ने की कोशिश करता है ना, वो गिरता भी है, नहीं तो गिरा दिया जाता है। रेडी? इतना जहर भरा हुआ था तेरे उन अल्फाजों में, पेरिस में जाने के लिए, कंपटीशन के लिए तूने उसे जान से मार दिया। तूने अपना कैरियर तो खत्म किया ही है, और हम सबकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। योर ऑनर, सबूत, गवाह, मकसद, हथियार, जिस रस्सी से गला घोटा गया, जिसके निशान थे राजवीर के गले पे, वो रस्सी तक, वो फोटोग्राफ्स तक, सब मैं पेश कर चुका हूँ। और कितनी मेहनत करवाएंगे पाठक साहब? पुलिस की रिपोर्ट भी है, पढ़ना चाहेंगे? रिपोर्ट पढ़ चुका हूँ जायसवाल साहब, आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा था। क्या खाते हैं आप? इतनी ऊर्जा है आपके अंदर, आप तो जानते हैं कि ऊर्जा को बांधे ना रखें तो यहाँ वहां फैलकर व्यर्थ हो जाती है। योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूँ कि मुझे द केस इज एडजर्न टिल नेक्स्ट हियरिंग। केडी, मुझे तुम पे और विराज पे पूरा भरोसा है। पूरी तरह से प्रयत्न करूंगा मैं। हो सकता है कि विराज के कुछ समय तक स्मृति खो देने के इस रोग के बारे में किसी को जानकारी हो, और उसी व्यक्ति ने विराज को मोहरा बनाया हो। तो ये भी हो सकता है कि विराज पर वार होने के बाद वो गिरा, बेहोश हो गया, और जब उठा तो उसे कुछ याद नहीं था। सब होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, राइट? तू जा वरुणा, स्टेज की, उस ऑडिटोरियम की, मेकअप रूम्स की ठीक से तलाशी कर। मुझे लगता है वहीं कहीं ना कहीं छुपी हुई कड़ी तुझे मिलेगी। वरुण, इसी घड़ी का कांच लगता है, शायद छीना चपटी में गिर गया होगा नीचे। कॉन्टैक्ट लेंस, लेकिन इस कलर की आंखें तो किसी की भी नहीं, मोस्टली अदालत में तो सभी हैं। या तो कोई बाहर से आया होगा। लेकिन लाल लैंप, लाल लैंप दवे विराज ने कहा था रूम में रेड लाइट थी। रेड लैंप, मैं भी यही सोच रहा हूँ दवे, मर्डर हुआ उस रूम में और रेड लाइट है इस रूम में, कुछ तो चक्कर है। या तो विराज की याददाश्त में लोचा है, या फिर कहानी में ट्विस्ट है।
सैफायर क्रिस्टल, ऐसे कांच तो केवल महंगी घड़ियों में होती है। किसकी घड़ी का कांच हो सकता है ये? विराज, राजवीर या त्यारिक? हो सकती है सर। ये लेंस किसकी आंखों का है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वरुण, वो रस्सी, रस्सी तो पुलिस ने जब्त कर ली थी, फिर ये रस्सी कहां से आई? क्या दो रस्सियां थी? एक काम कर, घड़ी के इस कांच को किसी घड़ी साज को दिखा और पता कर कि कौन से ब्रांड की घड़ी की हो सकती है। नरेंद्र जी, कृपया कर अदालत को बताएं कि इन दोनों में से वो रस्सी कौन सी है जो आपने उस दिन विराज को दी थी। पाठक साहब, कृपया करके मुझे ये बताइए आप कि आपको रस्सी में इतना रस क्यों है, जबकि मैं साबित कर चुका हूँ कि ये एक रस्सी वही मर्डर वेपन है। फिर क्यों खामा खा ये दो दो रस्सियाँ दिखाकर गवाह को गुमराह कर रहे हैं, आप उलझा रहे हैं? उलझा नहीं रहा हूँ मिस्टर जायसवाल, उलझनों को सुलझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस केस का वो पहलू जो आपको दिखाई नहीं दिया, उसे अदालत के समक्ष रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। हाँ तो बताइए कौन सी रस्सी? जी, ये दोनों रस्सियां एक जैसी हैं, बल्कि एक ही रस्सी के दो टुकड़े हैं। वो 4 फीट का टुकड़ा था जो आपने नई बंडल में से काट कर विराज को दी थी। जी योर ऑनर, उस दिन विराज ने जो शो किया था, मैं उसकी रिकॉर्डिंग अदालत में चलाने की अनुमति चाहता हूँ। प्लीज प्रोसीड। जैसा कि इस रिकॉर्डिंग में दिखाई पड़ा, जब विराज मंच से नीचे उतरे, इनके हाथों में कोई रस्सी का टुकड़ा था नहीं, क्योंकि रस्सी का टुकड़ा मंच पर पड़ा रह गया था। इस केस के प्रारंभ से जसवाल साहब ने यह सिद्ध किया है कि यही रस्सी का टुकड़ा जो मंच पर पड़ा रह गया था, इसी से हत्या भी की गई। तो फिर मेरा प्रश्न ये है योर ऑनर कि दूसरा रस्सी का टुकड़ा आया कहां से? जज साहब से सवाल पूछ के क्या फायदा, जवाब तो मेरे पास है, है ना? सिंपल सी बात है, विराज ने ही किया होगा टुकड़ा दूसरी रस्सी का, क्योंकि वो जो पूरा बंडल है रस्सी का वो प्रोडक्शन रूम में था और वो विराज को पता था। आपको भी पता होगा कि साक्ष्य और सबूत के बिना कोई तथ्य प्रमाणित नहीं किया जाता, ये नियम तो आप पर भी लागू होता है, तो शांत रहिए। योर ऑनर, मैं प्रमाण नंबर 2 पेश करना चाहूंगा, जिससे ये बात सिद्ध हो जाएगी कि दूसरी रस्सी का टुकड़ा कहां से आया और कौन लाया। ये किसी की घड़ी का कांच। और ये कांच विराज की घड़ी का नहीं है, क्योंकि इनकी घड़ी इनके बाकी सामान के साथ पुलिस ने जब्त कर ली थी और इस समय पुलिस के अभिरक्षण में है। पहले दूसरी रस्सी, फिर कांच के टुकड़े। केस के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, क्यों पाप किया? टुकड़े तो आपकी दलील की हो रही है मिस्टर जायसवाल, फिर से बिना बारी के आप बोले। नहीं, लेकिन रहना देखिए, अपनी आदतों को बदलिए। योर ऑनर, मैं कुमार मेकअप मैन को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। घड़ी आपकी देख सकता हूं मैं? हाँ सर। नहीं, निकालिए। धन्यवाद। वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही उत्कृष्ट और बहुमूल्य घड़ी है। किंतु ये कांच जो है घड़ी का, ये आपने दोबारा डलवाया, क्योंकि ये इसका ओरिजिनल कांच तो है नहीं। नहीं सर, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। चित्र बात है, घड़ी आपकी और आप ही को नहीं पता। सर, ये घड़ी मुझे मनीष सर ने गिफ्ट में दिया था, अगर उन्होंने उसको चेंज करवाया होगा तो उनको पता होगा, मुझे नहीं। मुझे घड़ी पहनने से मतलब और क्या? पाठक साहब, अपने खुदा पहाड़, उसमें से निकला चूहा और वो भाग भी गया। जसवाल साहब, मान लीजिए ना आप। योर ऑनर, मेरा तीसरा प्रमाण है ये कॉन्टैक्ट लेंस। एक है, दूसरा लापता। योर ऑनर, ये लेंस हूबहू वैसा ही है जैसा कि विराज अपने शो में उपयोग करते थे, किंतु ये विराज का नहीं है। ये पता लगाना अति आवश्यक है योर ऑनर कि ये लेंस किसका है। ये भी पता लगाना आवश्यक है कि वो रस्सी, रस्सी का वो दूसरा टुकड़ा, वो कहां से आया, कौन लाया।
प्रतिपक्ष अदालत के सामने समय की मांग रखती है योर ऑनर। परमिशन ग्रांटेड। नरेन का कहना है कि उसने नई रस्सी के बंडल से 4 फुट लंबी रस्सी काटकर विराज को दी थी। पुलिस को वहां से जो रस्सी बरामद हुई उसकी भी लंबाई 4 फुट की थी। फिर जो रस्सी का टुकड़ा तुझे मिला वो कहां से आया? पता लगा कि नरेन ने जिस रस्सी के बंडल से टुकड़ा काट के दिया था उसकी कुल लंबाई कितनी है और कौन से ब्रांड की है। ठीक है सर। और वो जो लेंस तुझे मिला था उसका DNA टेस्ट करवा, पता चल जाएगा कि किस व्यक्ति का है। एक केटी के पास है, एक यहाँ। केटी अब मुझे अदालत में घसीटेगा। इधर तो कहीं नहीं। तान्या जी, आप कॉन्टैक्ट लेंसेस पहनती हैं? जी नहीं, कभी नहीं पहनती। ये उस समय आप राजवीर के साथ मेकअप रूम में थी और उनकी हत्या से आप बहुत विचलित भी हुई थी। जी। आपके और राजवीर के बीच संबंध बहुत ही घनिष्ठ थे? राजवीर और मैं करीबी दोस्त थे, शायद उससे भी ज्यादा। It's lovely. You like it? Yes. खेलो चाबी। मैं? हाँ, obviously. इस नई गाड़ी का मुहूर्त तुम्हारे हाथों से होना चाहिए। आई मीन हमारी शुभ यात्रा तुम्हारे हाथों से शुरू होनी चाहिए। तो तुम लाइफ में मुझे फर्स्ट प्लेस देते हो? फर्स्ट प्लेस इन माय लाइफ एंड फर्स्ट प्लेस इन माय हार्ट। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। पाठक साहब, केस की छानबीन करने के बजाय आप ये विटनेस की पर्सनल बातों के बारे में क्यों जानकारी हासिल कर रहे हैं? क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, मैं समझाऊंगा कि क्या ताल्लुक है। आप कृपया कर मुझे अपना काम करने दीजिए, जाइए अपना काम करिए। हाँ, तो और भी पुरुष मित्र थे आपके सानिया जी, जिनके साथ भी आपकी घनिष्ठ मित्रता थी? हाँ, फ्रेंड्स तो बहुत है, एक्ट्रेस हूँ तो दोस्ती तो होती ही रहती है। हाँ, लेकिन अपने जीवन का वो विशेष दर्जा आपने केवल राजवीर को ही दिया था। दिया था जी। और बस योर ऑनर, अब मैं मनीष चंद्रा जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। मनीष जी, पिछली सुनवाई में आपकी आंखों की नमी और विराज के प्रति आपके अंदर आक्रोश ने मुझे ये संकेत दिया कि राजवीर जी के साथ आपके बहुत ही मधुर संबंध थे। यूं कहिए कि सच्चा यार था मेरा, और हम दोनों की पसंदें भी एक दूसरे से काफी मिलती थी। हाँ, पसंद उसी पे आ रहा था। सानिया जी, आप भी सानिया जी को पसंद करते थे जैसा कि राजवीर करता था? जी, सानिया को मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ, काफी क्लोज है वो मुझसे। किंतु सानिया जी तो राजवीर के साथ क्या हुआ सर? कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं। हाँ, ये पंक्तियां बहुत पुरानी हो गई है मनीष जी, फिर कभी सुन लेंगे। ये बताइए कि आपके प्रति सानिया जी के इस बर्ताव से आपको क्रोध नहीं आया, ईर्ष्या नहीं हुई? स्वाभाविक है ऐसे रिश्ते में, ऐसी प्रेम कहानियों में ऐसा होना। अगर आप मना करेंगे इसका अर्थ ये होगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, और झूठ अक्सर ज्यादा टिकता नहीं है मनीष जी। सर, दुख भी होता था और ईर्ष्या भी होती थी, लेकिन आजकल देखता और सुनता कौन है? वक्त किसके पास है? स्वीटी, स्वीटी मेरे साथ डिनर पर बाहर चलोगी? मनीष, तुम कितनी बार एक ही जवाब सुनना चाहते हो? जब तक तुम बोल बोल कर थक ना जाओ। तब भी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। यू नो राजवीर मेरे लिए क्या है? अरे मैं जानता हूँ राजवीर तुम्हारे लिए क्या, लेकिन तुमको क्यों नहीं समझ में आता है कि तुम राजवीर के लिए क्या हो? वो तुम्हें यूज करना चाहता है स्वीटी, और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम भी राजवीर की एक्स की लिस्ट में शामिल हो जाओ। मुझे शट अप। एक तरफ तुम उससे दोस्त कहते हो और दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड को भड़का रहे हो। हाउ चीप। भड़का नहीं रहा हूँ मैं तुमको, समझाना चाहता हूँ कि राजवीर तुम्हें यूज करना चाहता है। लिसन, गार्डियन मत बनना वरना राजवीर से शिकायत कर दूंगी। गेट दैट। हाँ,
यही तो दुख की बात है कि इस युग में हर व्यक्ति को समय का अभाव है। सर, राजवीर जैसा भी था ना, यारों का यार था, और सबसे ज्यादा उसे मैं ही समझता था। पाठक साहब, सॉरी सॉरी, ये नहीं है यारों के यार। जी बोलिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो इमोशनल बातें करते करते बातों में से गंगा निकलेगी और उस गंगा से आपके इस क्लाइंट के पाप धुल जाएंगे, गलत सोच रहे हैं। पाप तो गंगा में ही धुलते हैं जायसवाल साहब, बस थोड़ी सी श्रद्धा और सबूरी की आवश्यकता होती है, और ये दोनों आप में नहीं है। बस कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए, आपके पाप भी धुल जाएंगे और सारी बातें भी खुल जाएंगी। धोबी घाट का कार्यक्रम शुरू करिए। योर ऑनर, एविडेंस में वो जो कॉन्टैक्ट लेंस रखा गया है वो मिस्टर मनीष चंद्रा का ही है, इस बात को झुटलाएंगे आप? केडी साहब, कॉन्टैक्ट लेंस और मैं, देयर इज नो कनेक्शन। और मेरी तो आंखें भी ठीक हैं, पास की भी और दूर की भी, सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। और अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं तो पूछ भी सकते हैं। नहीं, किसी और से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं जानता था कि आप मेरी बात को झुटलाएंगे। इसी कारण योर ऑनर, इनका डीएनए टेस्ट करवाया गया और इनके डीएनए टेस्ट के अनुसार उस कॉन्टैक्ट लेंस के अंदर जो आंखों का पानी है वो इनकी डीएनए के साथ मैच करता है। अद्भुत बात है। अब यहां से आगे की कहानी कुमार साहब आकर सुनाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, इस लेंस को मैंने मनीष सर को पहनाया था उस दिन मेकअप रूम में। मैं आपका गेटअप ऐसा चेंज कर दूंगा कोई पहचान जाए ना सर, तो मैं हार जाऊंगा। और मैं हार गया ना तो 5 साल तक तनख्वाह नहीं लूंगा, और अगर जीत गया ना तो ये घड़ी मेरी। सर बस अब आप बाहर आ जाओ, देखो कैसा मजा आता है। मनीष सर के साथ हार जीत लगाया था और मैं जीत गया, और अचानक मनीष सर के हाथ से लेंस गिर गया। एक लेंस मुझे ढूंढने से मिला और एक आपके हाथ लग गया। जाहिर सी बात है ना कि डीएनए मिलेगा ही। अर्थात आप लोगों का रूप बदलने में अपने जो आपके हितकारी हैं, मेहरबान हैं, कदरदान हैं, आप पर उपकार करने वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें प्रसन्न रखने में आप निपुण हैं। देखिए ना, आपका जितना सालाना वेतन है उससे 5 गुना अधिक मूल्य की घड़ी आपने उनसे भेंट के रूप में प्राप्त कर ली। जी सर। योर ऑनर, अब मैं चाहूंगा कि मेरे मुवक्किल विराज चंद बातों पर रोशनी डाले। ऐसा करने के लिए इनका इनके माइम मेकअप में आना आवश्यक है। योर ऑनर, इसी बात की अनुमति चाहता हूं अदालत से। इजाजत है। विराज, कृपया कर अदालत को बताइए कि क्या ये रस्सी का टुकड़ा दूसरा वाला आप ही ने प्राप्त किया था या नहीं? नहीं। अदालत ये बात कैसे मान ले कि आपने रस्सी का ये दूसरा टुकड़ा प्राप्त नहीं किया? मैं उस वक्त स्टेज पर था, प्रोडक्शन रूम में जो भी थे आप उनसे पूछ सकते हैं। उनसे पूछो, किनसे पूछो भाई, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। हकीकत तो यही है कि तुमने वो रस्सी का टुकड़ा काटा और तुम वहाँ पे अकेले थे, आया ना? नहीं। क्यों भाई, अकेले थे कि नहीं, तुमको ये बात माननी पड़ेगी। मैं नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि मैं विराज नहीं हूँ। तुम विराज नहीं हो तो क्या? क्या मैं वरुण। कमाल करते हैं जायसवाल साहब, आपने भी मुझे नहीं पहचाना। क्या नौटंकी लगा रखी है? नौटंकी नहीं, यही सच्चाई है यार। जिस प्रकार से मेरे सहायक वरुण को इस रूप में किसी ने नहीं पहचाना, इन्हें विराज समझ बैठे सब लोग, उसी प्रकार उस दिन हत्यारा भी इसी रूप में था, उसे भी किसी ने नहीं पहचाना था, उसे भी सबने विराज समझ लिया। अब योर ऑनर, मैं अदालत के समक्ष कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहूंगा जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि हत्यारा कौन है। योर ऑनर, शक्ति नामक रस्सी का ये बंडल, नया बंडल 60 फीट का होता है। ये बंडल जिससे ये दोनों रस्सियां काटी गई थी, इसमें 52 फीट बचे हैं। नरेन ने विराज को जो रस्सी दी थी वो ये है योर ऑनर। इसे आराम से समय लेकर कैंची से काटा गया था, इसीलिए इसके छोर एक समान है। किंतु द्वितीय बार काटी गई ये रस्सी, ये इस कटर से काटी गई थी जल्दी में, इसीलिए इसके छोर तिरछे हैं।
योर ऑनर, उस दिन जब विराज नरेन के पास रस्सी लेने गया था, वहां एक और व्यक्ति भी उपस्थित था। अरे नरेन, और विराज तुम यहां क्या कर रहे हो यार? शो का टाइम हो रहा है, जाओ मेकअप करो फटाफट। और नरेन, तुमने जनरेटर वाले से बात की? अरे नहीं, देखो इस बार मुझे शो के बीच में लाइटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। कर दूं, कर दूं। आता हूं मैं। हाँ, उसके बाद योर ऑनर, मनीष ने उसी बंडल से ये 4 फुट की रस्सी काटी और आगे की योजना भी सोच ली, जिसमें कुमार साहब की वो रूप बदलने वाली कला भी शामिल थी। शो समाप्त होने के पश्चात विराज अपने मेकअप रूम की ओर बढ़े, तब राज, तुम इसलिए बहका नहीं रहा हूं यार, सच कह रहा हूं। वरना ये टैटू क्यों बनवाता तुम्हारे नाम का? पागल तू ना, पागल तुमने बना दिया मुझे पागल। ए विराज, कमाल क्या तुमने यार, धमाल कर दिया। तो वेरी गुड यार, फैंटास्टिक, कीप इट अप, ओके, ऑल द बेस्ट। इतना जोर से बोला था मारे को, चल। ओह गॉड, राजवीर क्या हो गया? इसे छोड़ पाने मत करो, तुमने ही मारा राजवीर को। हाँ, इसी ने मारा है इसे। जज साहब ये सब झूठ है। केडी साहब अपने मन से मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं, झूठ है ये सब। केडी साहब, झूठ के बुनियाद पर आप शरीफ लोगों को नहीं फंसा सकते। बैठ जाइए आप। योर ऑनर, इस कटर की फिंगरप्रिंट रिपोर्ट आपकी मेज पर रखी हुई है और वो रिपोर्ट कहती है कि इस पर जो उंगलियों के निशान पाए गए वो आपके हैं। मनीष, अब मैं ये भी सिद्ध किए देता हूं कि उस दिन माइम का रूप धारण करके मनीष जी ही आए थे वहां। यहाँ योर ऑनर, इनके सर पर जो चोट का निशान है यहाँ, ये कुमार साहब के इनके सर पर गमला मारने के कारण से हुआ है। और जिस समय कुमार ने इनके सर पर गमला मारा था, उसी समय पर इनके आंखों से कॉन्टैक्ट लेंस निकल कर फर्श पे गिर गया था। उसी समय इनके घड़ी का कांच भी निकल के फर्श पे गिर गया था, जब ये विराज को घसीट कर मेकअप रूम में लाए थे। ये सब झूठ है, गलत है, बकवास है। सच है ये सब कुछ मनीष जी। मनीष, तुमने मेरे राजवीर को मार डाला। I hate you. I just hate you. उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? ना मैंने तुम्हें कभी प्यार किया था और ना करूंगी। तुम खूनी हो, you are a murderer. हाँ, मैंने मारा राजवीर को। और उसे मारने में मेरी मदद कुमार ने की। सानिया, वो तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता था, तुम्हारी जिंदगी खराब करना चाहता था। मेरा प्यार तो तुमने कभी समझा ही नहीं, हमेशा मुझे धुतकारती रही। इसलिए मार दिया मैंने उस कमीने को, मार दिया मैंने उसको। यह अदालत मनीष को राजवीर की हत्या में दोषी पाते हुए और कुमार को
सबूतों के साथ छेड़खानी करने के कारण फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म सुनाती है और मिस्टर विराज को निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.